ये लापरवाही इसी जन्म में नहीं की, अनंत जन्मों में आप कर चुके हैं। जब जब मानव देह मिला तब तब आपने यही किया। अभी क्या है 40 साल के हैं, अभी क्या है 60 वर्ष के हैं, यही करते करते एक दिन आप संसार से चले गए। अब जाने के बाद केवल 50 ताप दुख भोगेंगे 84 लाख का, और सोचेंगे मैंने मानव देह को खो दिया, बिगाड़ दिया। आप लोग क्या करते हैं, आपके बच्चे पैदा होते हैं, नाती पोते पैदा होते हैं, आप उनको गोद में लेकर विभोर हो रहे हैं, उसकी मूर्खता की बातों पर फेवड़ा शैतान हो गया है। क्या भगवत प्राप्ति हो रही है आपको? जो भी संसार में आता है उसको जाना पड़ता है, वो चाहे माया बद्ध हो, चाहे मायातीत महापुरुष हो, और चाहे मायाधीश भगवान हो। भगवान भी यहां अनंत बार आए और फिर अपने लोक को गए। वो ठीक है, कोई बंधा हुआ जाए, कोई खुला हुआ जाए, जैसे जेल में कुछ अपराधी जाते हैं और कुछ सरकारी कर्मचारी, पुलिस मजिस्ट्रेट आदि भी जाते हैं, वे अपराधी नहीं होते, और कभी कभी प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी जाते हैं, राजा भी जाता है देखने आवश्यकता पड़ने पर। ऐसे ही इस संसार में मायाबद्ध जीव तो जाते ही हैं, वे अपराधी हैं, और माया मुक्त महापुरुष भी आते हैं, वो मायाबद्ध के कल्याण के लिए आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से जाते हैं। और कभी कभी भगवान भी आते हैं। तो इस प्रकार जैसे इस संसार में सबको आना है और आने के बाद जाना है, उसी हिसाब से हम लोगों को भी सोचना है। और जाने के पहले जैसे हम संसार में कहीं प्रस्थान करते हैं तो पहले तैयारी करते हैं, कपड़ा वगैरह, खर्च वगैरह, पैसा वगैरह। आप लोग यहाँ आए होंगे तो कई दिन पहले से तैयारी किए होंगे। ऐसे ही इस संसार से जाने के पहले हमको तैयारी करना है, क्योंकि ये मानव देह बार बार हर एक को नहीं मिलेगा। इसमें ऐसी तैयारी तो हम कम से कम कर ले कि फिर मानव देह मिल जाए, ताकि जो कुछ कमी है साधना की वो हम आगे बढ़ा सकें और इसी क्रम से एक दिन भगवत प्राप्ति कर सकें। तो इसलिए तैयारी करने की बात सोचना है। संसार में किसी के मृत्यु के बाद हम लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, इस बोलने का अभिप्राय दो होना चाहिए। एक तो ये कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन सबका छूटेगा, कोई भी हो विश्व में। और दूसरी बात ये सोचना है कि हम जल्दी से जल्दी कुछ कमा लें, बना लें, अपना भविष्य बना लें। जन्मांतर सहस्रैस्तु, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद ये मानव देह मिला है, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, हरि गुरु सेवा के लिए मिला है। हम इसको संसार में लगा रहे हैं, संसारी लोगों की सेवा कर रहे हैं, तन से, मन से,
धन से, तीनों को हम संसार में लगा रहे हैं और बड़ा कमाल सोच रहे हैं। और देखो मैंने इतनी पढ़ाई किया और फिर सर्विस करके 1 करोड़ कमाया और इतने मकान बना दिए और इतने बाल बच्चे और नाती पोते हो गए। अरे ये तो अनंत जन्म तुमने किया। कुत्ते बिल्ली गधे भी करते हैं, तुमने कौन सी नई बात की? जो करना चाहिए था वो तो तुमने किया नहीं। अगर तुम आधा भी भगवान के विषय में सोचते कि 50% शरीर के लिए काम करें और 50% भगवान के लिए यानी आत्मा के लिए, शरीर और आत्मा दो चीज है, तुम तो शरीर के लिए तुमने सब टाइम लगा दिया पूरी लाइफ का और आत्मा के लिए थोड़ा समय दिया। सोचिए आप लोग 1 साल में कितने घंटे आप भगवान की भक्ति करते हैं और क्यों? आत्मा की चिंता नहीं, शरीर की बड़ी चिंता। शरीर के विषय में आप तो 20-20, 22-22 घंटे लगा देते हैं और 1-2 घंटे भी नहीं दे पाते भगवान के विषय में, आत्मा के कल्याण के विषय में। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही इसी जन्म में नहीं कि अनंत जन्मों में आप कर चुके हैं। जब जब मानव देह मिला तब तब आपने यही किया। अरे अभी क्या उम्र है, 20 साल के हैं, अभी क्या है 40 साल के हैं, अभी क्या है 60 वर्ष के हैं। यही करते करते एक दिन आप संसार से चले गए। अब जाने के बाद आप क्या करेंगे? केवल पश्चाताप, दुख भोगेंगे 84 लाख का और सोचेंगे मैंने मानव देह को खो दिया, बिगाड़ दिया, न भगवान के निमित्त लगाया न महापुरुष की सेवा में लगाया, संसारियों की सेवा किया। आप लोग क्या करते हैं? आपके बच्चे पैदा होते हैं, नाती पोते पैदा होते हैं, आप उनको गोद में लेकर विभोर हो रहे हैं, उसकी मूर्खता की बातों पर बड़े बड़ा शैतान हो गया है, क्या भगवत प्राप्ति हो रही है आपको। अब वो लड़का बड़ा होकर के कहता है आपने किया क्या हमारे लिए? अरे तुमको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने क्या किया? पहले के जमाने में तो कुछ माँ बाप की केयर भी करते थे बच्चे, आज तो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण हो रहा है, बच्चे सीधा सीधा जवाब दे देते हैं माँ बाप को, बैठे रहो 2 रोटी खाओ, गड़बड़ करोगे तो वो भी नहीं मिलेगी। हाँ? तो ये संसार तो स्वार्थ का है, सब अपने अपने स्वार्थ में संलिप्त हैं। इसलिए सावधान होकर जल्दी से जल्दी ऐसी कमाई कर लो कि कम से कम मानव देह तो मिले। और ये भी मत सोचो जवान होंगे तब करेंगे। प्रह्लाद ने कहा था कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह, कुमार अवस्था में ही साधना शुरू कर दो, जुआ अवस्था ना आवे तो, तुम पहले ही चले जाओ तो। और फिर अगर जुआ अवस्था आ गई तो जुवैव धर्मशील स्यात्, जुआ अवस्था में ही कर लो, बुढ़ापे की मत सोचो, बुढ़ापे में साधना अधिक नहीं हो सकेगी। क्यों? शरीर बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, प्लस
संसार में अटैचमेंट मजबूत हो जाता है बाल बच्चों में, फिर अटैचमेंट से डिटैचमेंट करने में, वैराग्य लाने में बड़ा लेबर पड़ता है। इसलिए जब तुमको कोई संत मिल जाए, तत्वज्ञान मिल जाए, समझ में आ जाए कि ये मानव देह संसारी विषय भोग के लिए नहीं है, अच्छा देखो संसार, अच्छा सूंघो संसार, अच्छा खाओ पियो संसार, सब संसार के विषय में आनंद का उपभोग करने का जो प्लान है तुम्हारा अनंत जन्मों का, इसके लिए मानव देह नहीं मिला। अरे तुमको जो आनंद रसगुल्ला में मिलता है, वही आनंद गाय को हरी घास में मिलता है, आनंद में अंतर नहीं है। सबका संसारी विषय भोग का सुख बराबर सुख देता है, असली चीज तो आत्मा का परमात्मा संबंधी सुख है, जिसकी रिसर्च में अनंत जन्म बिगाड़ दिया आपने। इसलिए किसी की मृत्यु पर हमको तुरंत सावधान होना है। हम भी जा सकते हैं अगले क्षण में, कुछ कर लो, इसके बजाय हम और लापरवाह हो जाते हैं, हम नहीं मरेंगे। अरे अभी क्या मरना है, रोज देख रहे हो। युधिष्ठिर से एक यक्ष ने 60 सवाल किए, उसमें पहला इंपॉर्टेंट सवाल था किमाश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ताज्जुब क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हि जमालयम्, क्षण क्षण में डेली लोग मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, संसार से जा रहे हैं, लेकिन उनको कंधे पर बिठाकर स्मशान घाट ले जाने वाले सोच रहे हैं हमको नहीं जाना है। वो प्लानिंग कर रहे हैं, अब ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं, बेटा मर गया और बाप नहीं सोच रहा है कि हमको भी जाना है, यहां तक आश्चर्य है हमारे संसार में। वो समझना है हमको, प्लस प्रैक्टिकल साधना करना है, केवल समझने से काम नहीं चलेगा। समझ तो बहुत से लोग गए किसी गुरु के द्वारा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, साधना नहीं करते, लापरवाही करते हैं। यहां तक कि यहां आप लोग आए हैं इसी काम के लिए, तो यहां भी लापरवाही कर रहे हैं, आपस में खड़े होकर बाहर बातें करते हैं, महाराज जी देखते हैं। और अगर महाराज जी बुद्धू है तो भगवान तो देखता होगा, उसका भी डर नहीं है आप लोगों को। इतनी आप लोगों से प्रार्थना की गई थी कि आप लोग मौन होकर साधना करें, केवल भगवान का नाम लें, नाम सुने, नाम सोचें, रूप सोचें, आप लोग भूल गए, आपस में अनावश्यक बातें करते रहते हैं, यहां वहां जहां तहां खड़े होकर के गलत चिंतन करते रहते हैं, संसार का, अपने रिश्तेदारों का, ये सब लापरवाही है। तो किसी की मृत्यु पर इस लापरवाही पर ध्यान देना चाहिए और परवाह करके साधना करनी चाहिए, यही बुद्धिमत्ता है।